नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य मामले में होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को सस्पेंड किया जाना कंफर्म हो गया है। डीजी होमगार्ड विजय कुमार मौर्य ने बताया, मनीष दुबे के खिलाफ आलोक नाम के युवक को धमकी देने के साक्ष्य मिले हैं। वहीं एक महिला होमगार्ड की शिकायत मामले में भी दोषी पाए गए हैं। शासन को रिपोर्ट भेजकर उनके खिलाफ दोनों मामलों में FIR दर्ज करने की अनुमति मांगी गई है। मनीष दुबे महोबा में जिला कमांडेंट होमगार्ड के पद पर तैनात हैं। हाल ही में बदायूं से उनका ट्रांसफ़र किया गया। जिस आलोक की जिक्र डीजी ने किया है वह ज्योति मौर्य के पति हैं। पति पत्नी के बीच तलाक को लेकर विवाद चल रहा है। आलोक ने आरोप लगाया था कि मनीष दुबे का उनकी पत्नी ज्योति के साथ अफेयर चल रहा है, दोनों उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। आलोक ने प्रयागराज के दुमनगंज थाने में तहरीर दी थी। इसके अलावा होमगार्ड मुख्यालय में भी अपनी शिकायत के साथ सबूत के तौर पर कई व्हाट्सएप चैट कॉल रिकॉर्डिंग सौंपी थी। इस शिकायत के बाद डीजी होमगार्ड ने प्रयागराज DIG संतोष कुमार को जांच सौंपी थी। जांच में सामने आया कि मनीष दुबे की जो मोबाइल पर ज्योति मौर्य से उनके पति आलोक को रास्ते से हटाने की बात कह रहे हैं, कॉल रिकॉर्डिंग से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। हालांकि उसकी फॉरेंसिक जाँच भी कराई जाएगी। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी पे। धन्यवाद।